Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. Very good morning to all of you students once again. Yesterday we have completed explanation of chapter 5 and today we will read exercises of chapter 5. Students, आज हम chapter 5 की exercises complete करेंगे. Okay, so firstly we will read spelling bee. बेटा पहले हम क्या रीड करते हैं? स्पेलिंग बी. एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन से पहले हम क्या रीड करते हैं? स्पेलिंग बी. एंड स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा सा, हम लोग चैप्टर की बात करें, कल आपने देखा था जो चैप्टर आपने रीड किया था तो उसमें देखा था माधव और गीता आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे और जो गीता के कजन्स एंड अंकल आंटी कहाँ घूमने आए थे, वो कर्नाटक घूमने आए थे, बेंगलोर से वो कर्नाटक घूमने आए थे. अगुम्बे कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है. अगुम्बे बेटा वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. अगुम्बे उसको आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल पे सर्च करके देख सकते हो अगुम्बे को. वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और बहुत ही खूबसूरत सीन है वहाँ की. तो उसके अंकल आंटी गीता के घूमने आए थे. सो अब हम स्पेलिंग बी को रीड करते हैं. ओके, स्पेलिंग बी में फर्स्ट क्या? वेदर अम्ब्रेला. वेदर मीन्स मौसम. अम्ब्रेला मीन्स छाता. कजिन्स मीन्स जानते हो चचेरे भाई बहन, चचेरे ममेरे जिस जो भी होता है माँ, तो उनको भाई बहन, वो भाई बहन को क्या कहते हैं? कजिन्स. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. पडल्स मीन्स होता है पोखरा, समझ लो छोटा सा जो पानी का तालाब होता है उसको पडल्स कहते हैं. सूथिंग मीन्स क्या होता है? सुखदायक. मेडिसिनल मीन्स औषधीय. एंड मिनिएचर मीन्स छोटा या लघु. राफ्टिंग जो पानी में राफ्टिंग किया जाता है, नदी में रिवर में राफ्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राफ्टिंग. एंड एक्सप्लोर मीन्स होता है खोज या पता लगाना, अन्वेषण. सो नेक्स्ट लेट्स ट्राई वन यस और नो. हमें क्या पढ़ना है? यस और नो. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज माधव वॉन्टेड टू इंजॉय द कूल एंड क्लाउडी वेदर. माधव इंजॉय करना चाहता था कूल एंड क्लाउडी वेदर का. जब वो दोनों जा रहे थे स्कूल अपने, माधव और गीता, तो गीता तो जल्दी जा रही थी बट माधव क्या इंजॉय करना चाहता था? क्लाउडी एंड कूल वेदर. सो ये क्या है? यस. ओके, एंड नेक्स्ट गीता फॉरगॉट टू ब्रिंग हर रेनकोट. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे गीता फॉरगॉट मीन्स भूल गई. ब्रिंग क्या लाना भूल गई? रेनकोट लाना भूल गई थी या अम्ब्रेला लाना. आपने जब चैप्टर रीड किया होगा तो देखा होगा यहाँ पे अम्ब्रेला वो लाना भूल गई थी और यहाँ पे क्या दिया है? रेनकोट. तो ये क्या होगा? नो. ओके, एंड नेक्स्ट गीताज, यहाँ पे गीताज दिया है मीन्स गीता का. ये कंट्रेशन है, कंट्रेशन मैंने बताया था. गीताज कजिन्स केम फ्रॉम बेंगलोर. गीता के कजिन्स कहाँ से आए थे? बेंगलोर से. तो ये क्या होगा? यस. एंड नेक्स्ट गीता टोल्ड हर कजिन्स टू वियर क्लोज फिटेड क्लोथ्स एंड नी लेंथ सॉक्स एंड शूज टू अवॉइड द लीचेस. बेटा हमने कल की स्टोरी में बताया था कि लीचेस वहां पे बहुत पाए जाते हैं अगुम्बे में. तो गीता ने अपने कजिन्स को एडवाइस किया था कि वो क्लोज फिटेड सॉक्स शूज पहन ले एंड कुछ मीन्स की क्लोथ वो फिटेड पहने, पूरी पैक होके जाने का उसने सजेशन दिया था अवॉइड द लीचेस, यानी लीचेस को अवॉइड करने के लिए. सो ये क्या है? यस. नेक्स्ट अंकल फाउंड अगुम्बे वेरी नॉइजी एंड डर्टी. अंकल क्या पाए थे? अगुम्बे कैसा था? नॉइजी एंड डर्टी था? नो, वो तो बहुत ब्यूटीफुल सीन था वहां का. तो ये क्या होगा? नो. एंड नेक्स्ट है आंट प्लांटेड टू कलेक्ट टाइगर्स एंड लेपर्ड्स टू टेक बैक टू बेंगलोर. वो अंकल आंटी बेंगलोर से आए थे तो क्या ये वो आंट क्या ले जाना चाहती थी वापस बेंगलोर? लेपर्ड एंड टाइगर्स? नो, वो क्या वापस ले जाना चाहती थी? फंड्स एंड बताइए आप क्या ले जाना चाहती थी? फंड्स एंड हर्बल प्लांट्स. क्या वो फंड्स एंड हर्बल प्लांट्स वापस बेंगलोर ले जाना चाहती थी? तो
तो ये क्या, और इसमें क्या दिया है, लेपर्ड्स एंड टाइगर्स, सो ये क्या होगा बेटा, नो। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने लेट्स ट्राई वन कंप्लीट किया, यस और नो, एंड नेक्स्ट है लेट्स ट्राई टू। इन लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, नोटबुक मीन्स आपको कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने होते हैं, यस और नो तो आप अपनी बुक में ही फिल करोगे। एंड ये क्वेश्चन आंसर मैं क्वेश्चन बुक से रीड करूंगी, आंसर इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, व्हाट वर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर गीतास कजिन्स वर एक्साइटेड टू सी व्हेन दे ट्रैक्ड टू ARRS, मीन्स व्हाट वर गीतास कजिन्स, गीता के जो कजन थे वो बहुत एक्साइटेड थे जब ARRS जब घूमने गए थे यात्रा पे, जब ARRS घूमने गए थे तो उन्होंने वो क्या देखने के लिए और बहुत एक्साइटेड थे। सो आंसर इज गीतास कजिन्स, गीता के कजन वर वेरी एक्साइटेड अबाउट स्पॉटिंग कोबराज सिंस शी हैड टोल्ड देम दैट अगुम्बे इज ऑल्सो नोन एज कोबरा कैपिटल बट इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट देम इन मॉनसून। स्पॉट मीन्स बेटा होता है पता लगाना या ढूंढना। ओके, तो गीता के कजन बहुत एक्साइटेड थे कोबरा का पता लगाने के लिए, जब उन्होंने सुना था, जब गीता ने बताया था तो जब उन्होंने सुना था तो दैट अगुम्बे इज ऑल्सो नोन, क्योंकि अगुम्बे जाना जाता है किसके नाम से, कोबरा कैपिटल के नाम से, बट इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट देम इन मॉनसून, लेकिन यह बहुत कठिन था कोबरा कैपिटल का पता लगाना उस टाइम, क्योंकि देम इन मॉनसून मीन्स मॉनसून में उसका पता लगाना बहुत डिफिकल्ट था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, व्हाई वाज गीताज आंट थ्रिल्ड, गीता की आंटी क्यों खुश थी, थ्रिल्ड मीन्स होता है वेरी हैप्पी या हैप्पी, तो गीता की आंट बहुत खुश क्यों थी, गीता की आंट क्यों खुश थी, गीताज आंट वाज थ्रिल्ड टू सी मेनी मेडिसिनल प्लांट्स, क्या देख के वो खुश थी, मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स बहुत सारे जो औषधीय जो प्लांट्स थे वो देख के वो गीता की आंटी खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड इज, व्हाट इज डोडामेन, डोडामेन क्या है, तो डोडामेन इज अ 150 ईयर ओल्ड हाउस इन द अगुम्बे रेन फॉरेस्ट, बेटा ये अगुम्बे रेन फॉरेस्ट का 150 ईयर ओल्ड एक हाउस है जिसका डोडामेन उसी का नाम है, 150 ईयर ओल्ड हाउस वेयर सम ऑफ द ऑथर आर के नारायण फेमस स्टोरीज फ्रॉम मालगुड़ी डेज वर फिल्म, जहाँ पे मालगुड़ी डेज फिल्म को फिल्माया गया था वहाँ पे, तो किस राइटर ने लिखा था वो स्टोरी, आर के नारायण। ओके, तो इसलिए ये डोडा में वही उसी का नाम है हाउस का एक। क्वेश्चन नंबर फोर इज, नेम द प्लेसेस टू विजिट इन अगुम्बे, बेटा अगुम्बे में उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ जो घूमने वाली जगह है, सो आंसर इज द प्लेसेस टू विजिट इन अगुम्बे आर ARRS, सनसेट पॉइंट, वाटरफॉल्स, सीता नदी रिवर, डोडा में, ये आप ये वहाँ अगुम्बे में विजिटेड प्लेस है। ओके, विजिटर्स प्लेस है। एंड लेट्स ट्राई थ्री, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे कॉपी में। लेट्स ट्राई थ्री नाउ, इन लेट्स ट्राई थ्री चूज द राइट होमोनिम्स फॉर ईच सेंटेंसेस, बेटा होमोनिम्स क्या है, पहले भी हमने आपको बताया था होमोनिम क्या है, वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस द सेम वे बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स या होमोफोन्स, बेटा होमोफोन्स में हम क्या देखते हैं, वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस द सेम वे और जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट उसकी मीनिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग भी डिफरेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं, होमोफोन्स। ओके, तो आज हम लेट्स ट्राई थ्री इसी को कंप्लीट करेंगे, चूज द राइट होमोफोन फॉर ईच सेंटेंस, आपको सारे सेंटेंस में होमोफोन चूज करना है करेक्ट। डू यू सी द डॉग, बेटा आप इसमें देखोगे सी या सी, तो एस डबल ई सी और एस ई प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट इसके स्पेलिंग क्या है, डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे डू यू सी दैट डॉग, यहाँ पे हम सी देखने वाला
यूज करेंगे, क्योंकि ये समुद्र वाला सी तो यूज करेंगे नहीं। तो फर्स्ट इज क्या होगा, फर्स्ट ए का ए है क्या, सी, डू यू सी दैट डॉग। बी में आई नो हाउ टू राइड अ साइकिल, मैं जानता हूँ कि साइकिल कैसे चलाते हैं। टाई अ नॉट ऑन दैट रिबन, तो ऐसे ही लेट्स ट्राई थ्री को हम कंप्लीट करेंगे यूज करते हुए, होमोफोन को यूज करते हुए। एंड बी में राइट अ होमोफोन फॉर ईच वर्ड, यहाँ पे फेयर, फेयर क्या है, फेयर फेयर प्रोनाउंसिएशन एक है। वीक का क्या होगा, वीक, फिर वेस्ट वेस्ट, राइट राइट, वेट वेट, वुड वुड, अर्न अर्न, एंड फेयर फेयर। स्पेलिंग बेटा डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, बट क्या सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम लेट्स ट्राई फोर को देखें।